बात इधर से करते हैं कि आज स्टिचिंग करवानी है स्टेयरिंग की, गियर नॉब की और हैंड ब्रेक की। सो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, आज मॉडिफिकेशन का फर्स्ट डे है। सो आज हम जाएंगे पहले ये थोड़ा बहुत इस इंटीरियर के बारे में जानेंगे कि हमने इंटीरियर पे क्या करवाना है, फिर हम एक्सटीरियर पे आएंगे। लोग पहले एक्सटीरियर पे आते हैं फिर इंटीरियर पे आते हैं, मैं कहता हूँ पहले इंटीरियर से स्टार्ट करो ताकि अंदर जब बंदा बैठे कि फील अच्छी आए, उसके बाद बंदे का दिल करता है यार हम बाहर का भी कोई काम करवा लें। अच्छा तो यार ये मुल्तान की मार्केट, काफ़ी ज़्यादा जो मुल्तान के लोग होंगे वो इससे वाकिफ़ होंगे। और ये जो जगह है ना, ये आर्ट काउंसिल वाला फ्लाई ओवर जो है, वो तो जैसे ही आप उतरते हो तो उसी वक्त ये मार्केट शुरू हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ ठगबाज भी हैं और कुछ अच्छे भी बैठे हुए हैं। अच्छा सिकंदर भाई, इसकी कॉस्ट क्या है? ये जो एक बबल वाली है इसमें, और दूसरी कौन सी है? दूसरी सादा होती है। सादा होती है, उसकी क्या प्राइस है? उसकी प्राइस 500 है और इसकी प्राइस जो है ना वो 1000 से 25000 रुपीस तक है। ये मैं आपको जो स्टिच करके दे रहा हूँ, ये ऐसे स्टिचिंग हो रही है जैसे क्या स्पोर्टिंग में ओरिजिनल होके आती है। अच्छा, इसकी स्टिचिंग वैसी ही होगी। जितने भी बॉडी पार्ट्स थे ना इसके, तो ये जो साइड वाले पैनल्स थे, तो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था पिछले कि भाई मैं इसको पेपर करवाऊंगा ना कि पेंट। तो यार ये पेपरिंग के लिए मैं इसको भेज रहा हूँ अब। यार ऐसे ही लोग कहते हैं पाकिस्तान में आओगे अब पैसा नहीं है, देख तो सही यार। सीन थोड़ा सा यूँ हो गया, चीज़ें तो हम निकलवा ली हैं मगर उधर लाइट चली गई थी जिसकी वजह से वो पेपरिंग कर रहा था। सो हम तो आ गए अपने घर। सो अभी वो मुझे कॉल कर देगा जब वो रेडी हो जाएगा सामान सारा, ये अभी कुछ भी नहीं है। 2000 years later। सो यार ये ओवरऑल इसकी लुक हो चुकी है अब, यार माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। ये थोड़ा सा अब पेपरिंग शेपरिंग हो गई है, जिस स्क्रैचेस के बारे में मैं आपको बता रहा था ये वो है, और ये थोड़ा सा ब्रश का हॉल ये है। ये जो लाइट्स हैं, ये मैं लाइट्स को कर देता हूँ ऑन। सो ये सिंगल ऑन की हैं और ये कुछ मैंने पहले ही लगवाया हुआ था, तो गाड़ी की लुक थोड़ी इस तरीके आती है। अच्छा ये कैसे लगवाया था? अच्छा ये मैंने एक स्टिकर भी लगवाया है, खैर ये स्टिकर तो जो मॉडिफिकेशन से पहले स्टार्टिंग में आता है उसने लगवाया ही होता है। अच्छा ये जो लाइट हैं और ये आप सोच रहे हो कि यार एक ब्लू एक रेड, ये इसका एक मेरे पास रिमोट है, इसके बहुत सारे कलर्स हैं। सो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये कुछ ज़्यादा लोग सोच रहे होंगे यार ये बहुत महंगी लाइट है, 1200-1300 रुपए की होगी, ये मैक्सिमम 250-300 में की आपको मिल जाएगी। सो गाड़ी को कर देते हैं पार्क, आज का करते हैं व्लॉग यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बिकॉज मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे वाली वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए और आपको पता भी चल जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।